क्यों करनी चाहिए और एकादशी में क्या महात्म है हमारे ये प्रभु जी, एकादशी के बारे में प्रभु जी बताएंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परमारत्न गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुग गुरुवर्ग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित हरिकथा श्रवण पाशु माता पिता भाई बहन सभी वैष्णव मंडली को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। देखो आज जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, हमारी फर्स्ट डे जब भागवत कथा हुई थी तो लोग बड़े कम थे, आज जो है धीरे 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 आज चौथा पांचवा दिन है तो भागवत जो है ये जो लोग हैं बढ़ गए हैं। जानते हो किसकी महिमा है? ये महाप्रसाद की महिमा है। साढ़े छह साल बजने वाले हैं ना, प्रसाद का टाइम हो रहा है, तो धीरे 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 जो है भीड़ बढ़ती जा रही, लोग आते जा रहे हैं। देखो महाप्रसाद जो है, ठाकुर जी का जो प्रसाद होता है वो जो है साक्षात भगवान से अभिन्न ही है, उसमें और भगवान में कोई मेभेद नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यांकारा जन विश्वास में जायते, अर्थात महाप्रसाद भगवान का नाम वैष्णव ये सब जो है इनको भगवान से अभिन्न ही समझो। और आज तो विशेष है, आज क्या है अन्नकूट महोत्सव है, गिरिराज जी की पूजा है, तो आज तो जो है ठाकुर जी को 56 भोग लगेगा, वही 56 भोग का प्रसाद जो है आप लोगों को वितरण होगा। जानते हो इतना सारा आज क्यों बनाया, आज क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि कल एकादशी है, आज जो है सब चकाचक एकदम अच्छा अच्छा प्रसाद पालेंगे। प्रसाद पाने के बाद में क्या होगा, कल होगा उपवास, कल उपवास होगा, अर्थात क्या है हम लोग को अन्न ग्रहण नहीं करना है। देखो एकादशी की तो है कई पुराणों में कई सारे वर्णन, कई इसकी महिमा है। और जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे ना कि वेदव्यास जी को उन्होंने सब ग्रंथों की रचना करी, रचना करने पर भी उनको शांति नहीं मिली, क्यों? क्योंकि सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का वर्णन कर दिया, इसलिए भागवतम में, भागवतम की जब उन्होंने रचना करी इसके बाद में उनको पूर्ण शांति मिली। अर्थात भागवत का जो एक एक वचन है वो एक एक वचन जो है एकदम सत्य वचन है, उसके अंदर कोई भी दोष है नहीं, ठीक है, वो जो है कोई उसके अंदर दोष नहीं है। तो आप एक पूरे भागवतम को पढ़कर देख लो, किसी भागवत का वर्णन नहीं आता, बस वर्णन आती है अम्बरीश महाराज जी की कथा जो की वो एकादशी रखते थे, किस प्रकार जो है एकादशी, इसका नाम है ना एकादशी, बोलते हैं ग्यारस, एकादशी मतलब 11, हमारी शरीर की हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये इन 11 हमारे चीजों को क्या करना है, हमको ठाकुर की सेवा में लगाना है। किस प्रकार लगाना है, जिस प्रकार जो है अम्बरीश महाराज का इसमें वर्णन आता है। अम्बरीश महाराज जी जो है अपने हाथों से ठाकुर का मंदिर मार्जन करते थे, पैरों से जो है परिक्रमा करते थे, मुख से ठाकुर का कीर्तन करते थे, ताली बजाते बजाते जो है भगवान का स्मरण करते थे। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की जो है ना 11 इंद्रियां हैं, इसको हमको ठाकुर की सेवा में लगानी चाहिए। और इस दिन क्या है, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? देखो किसी भी चीज को समझना हो ना, हम यहाँ पर देखो दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, एक तो जो परमार्थ दृष्टिकोण है उससे समझ सकते हैं, और क्या है आज के लोग जो है ना थोड़ा साइंटिफिक हो गए हैं, बोले कि हमको तो ये भगवान भगवान का विश्वास नहीं, हमको इतना हमारे स्क्रिप्चर्स पे विश्वास नहीं है। तो अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखोगे ना तो भी एकादशी करने से बहुत फायदा है। देखो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश कर रहा हूं। परमार्थ दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे जैसे महाराज जी बताते हैं हमेशा ही कि जैसे एक मशीन के साथ में एक मैनुअल आता है, उस मैनुअल के हिसाब से चलोगे तो ठीक रहेगा। हमारे जो मानव जीवन है इसका मैनुअल है हमारे शास्त्र, शास्त्र के अंदर बताया गया है कि एकादशी रखनी चाहिए। तो एकादशी के अंदर क्या होता है, अन्न के दिन उस दिन सारे पाप होते हैं, गौ हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या का पाप जो है, अगर आप अन्न खाओगे एकादशी के दिन, चावल खाओगे एकादशी के दिन, तो आपको ये सारे पाप लगेंगे। इन सबसे बचने के लिए क्या करो, अन्न का व्यवहार मत करो, और क्या करो, हमारा जो शरीर है हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान के दास हैं,
तो हमें जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन पूरे इस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि खाने में ज्यादा समय नष्ट ना हो और जो है हम लोग क्या है भगवान की सेवा में, हरिनाम में, भागवत श्रवण में हम जो है पूरा हमारा समय व्यतीत करें। और बताया गया है कि देखो अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम देखें क्या होता है, देखो एकादशी हमारे जैसे ये शरीर जो है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, देखो जैसे नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा ये पूरा शरीर जो एक मशीन है। अब मशीन क्या है, आप एक मशीन को लगातार चलाते रहोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगी, ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, सबको रेस्ट चाहिए होता है ना। एक गाड़ी देखो, आप गाड़ी बहुत लंबी ड्राइव पर जाओगे उसके बाद कैसे इंजन गर्म हो जाता है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं लोग। उसी तरीके से हमारे शरीर जो है, ये शरीर भी हमारा एक मशीन है, इस मशीन को भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। आप जो है सुबह दोपहर शाम तीनों समय खाते हो, हमारे पेट में वो डाइजेस्ट होता है, मलमूत्र की तरीके से बाहर निकल जाता है, तो ये मशीन चल रही है लगातार, इसको जो है रेस्ट देना है। तो रेस्ट देना है तो क्या करते हैं हम लोग, एकादशी करते हैं। अर्थात उस दिन जो है क्या होगा कि आप जो है ज्यादा खाना नहीं खाओगे। कुछ लोग जो पहले तो जो सब लोग क्या निर्जला रखते थे, तो ना ही तो पानी ग्रहण करते थे ना ही खाना लेते थे, तो पूरा रेस्ट मिलता था बॉडी को। और जो है रेस्ट होने के बाद में फिर वापस जो इसका फंक्शन चालू होता था वो एकदम नई मशीन की तरह। अब लोग यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि चलो मशीन को रेस्ट देना है, हम रेस्ट देंगे, लेकिन भैया एकादशी के दिन ही क्यों दें, और भी किसी दिन तो दे सकते हैं ना रे, तो एकादशी के दिन ही क्यों दें। देखो आपने सुना होगा, देखो चंद्रमा जो है ना, जैसे मून होता है, हम लोग पढ़ते हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स, जो है ना चंद्रमा की किरणें जो होती है वो समुद्र को आकर्षित करती है, समुद्र को आकर्षित करती है ना, इसी वजह से उसके अंदर ज्वार भाटा होता है, जो पूरा टाइड्स आती है ना उसका कारण यही है कि ऊपर चंद्रमा है वो सूर्य को समुद्र के जल को आकर्षित करता है, इसलिए उसके अंदर बहाव आता है। अब देखो हमारे शरीर भी जो है उसके अंदर 70% वाटर है, 70% जो है पानी ही पानी है। और हम जो है क्या करते हैं अगर एकादशी के, और आप देखोगे कि जब एकादशी से पूर्णिमा तक ये टाइम ऐसा होता है, इस समय पे जो है बहुत ज्यादा हाई टाइड्स आती है, अर्थात इस समय जो है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की किरणें बहुत ज्यादा होती है तो समुद्र का आकर्षण भी उसी प्रकार ज्यादा होता है, हमारे शरीर में भी है पानी। अगर हम जो है एकादशी से पूर्णिमा के दिन, मतलब एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो क्या होता है, हम अन्न खाएंगे ज्यादा ज्यादा पानी पियेंगे, अन्न जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी के कारण जो है हमारे शरीर का भी जो है चंद्र से अट्रैक्शन होता है और उस वजह से जो है हमारे शरीर में उत्तेजना होती है। सारे जो आप अगर हॉस्पिटल जाकर देखोगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो बूढ़े लोगों की मृत्यु होती है ये एकादशी से पूर्णिमा के बीच में ही होती है। क्यों? क्योंकि जो है शरीर के अंदर इतने सारे वेग उत्पन्न होते हैं और उनको जो वो लोग सहन नहीं कर पाते, इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो एकादशी तिथि के दिन, अर्थात इस तिथि के दिन अगर आप जो अन्न नहीं खाओगे तो वो जो है वो चीज बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ये इसको रेस्ट भी मिलेगा पहली बात तो, और दूसरी बात जो है हम जो सारा पानी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है वो चीज भी यही अप्लाई होता है कि उस चीज का भी फंक्शन होगा। और एकादशी की अगर और भी बहुत बहुत महिमा है, देखो एकादशी से एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी कथा सुनाते हैं किस प्रकार जो है मथुरा मठ में जब वो रहते थे, एक गाय जो है बीच सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, कैसे वो जो है एकदम उसकी प्राण नहीं निकल रहे थे, अधमरी सी होकर पड़ी हुई थी। किसी शिष्य ने जो है बड़े गुरुजी को आकर पूछा, बोले कि उस गाय की ऐसी दुर्गति हो रही है, आप बताओ क्या किया जाए। बोले तुम जो है ना उसके कान में जाकर बोल दो कि मैं अपनी एक एकादशी का फल जो है तुमको देता हूँ, उसके तुरंत ही प्राण छूट जाएंगे। किस प्रकार जो है हॉस्पिटल के महाराज ये घटना वर्णन करते हैं, किस प्रकार एक पेशेंट था उसकी कोमा में चली गई थी, जो बेड के ऊपर ही है, मलमूत्र त्याग रही थी और बड़ी ही दुर्गति हो रही थी, प्राण नहीं निकल रही थी किसी तरीके से। लोगों ने महाराज से पूछा कि किस प्रकार कुछ क्या इसका कुछ उपाय बता, उन्होंने कहा कि आप जो है एकादशी का फल इनको दे दो। ये बोलने मात्र से ही जो क्या है उन व्यक्ति के प्राण छूट गए। मतलब एकादशी का उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी प्राण छूटने के लिए हमको करना है, नहीं, ये तो एक कारण है ही कि जो भी दुख कष्ट है उसका निवारण हो जाएगा, उसके अलावा भी हमारे परमार्थ में हमको सहायता करेगी। जैसे हम लोग यहाँ भागवत में आए हैं, भागवत में आने का उद्देश्य क्या है, हम लोग को ठाकुर का भजन करना है ना, तो जैसे बता रहे थे कि माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी कृष्ण वसती वसती बलि परम आदरे वरी। अर्थात ये माधव तिथि जो है एकादशी का ही नाम है माधव तिथि, तो ये एकादशी जो है ये भक्ति जननी है, अर्थात ये भक्ति को जन्म देती है। अगर एकादशी करेगा कोई और शुद्ध नाम लेगा, नाम लेने हरि नाम उस दिन करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो कि जितनी भी आप माला करते हो उससे डबल माला एकादशी के दिन होनी चाहिए। तो एकादशी पालन करेंगे और नाम करेंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारे हृदय में जो है, हमारे हृदय जो भगवान से द्वेष करके हम लोग के जो हृदय कलमश है हमारे हृदय के अंदर, उसका मार्जन होगा और हमारे हृदय के अंदर भक्ति रूपी लता जो है उसका विकास होगा।
देखो मैं एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं तो एक तो भक्त होता है और एक उसकी बात मानता नहीं, एक भाई ही होते हैं। तो वो जो भक्त होता है वो अपने गुरुजी को बुलाता है एक बार घर में। गुरुजी को बुलाता है, बोलता है कि गुरुजी मेरा जो भाई है ये मेरी कोई भी बात मानता नहीं, एकदम नास्तिक है, बोले आप आओ और इसको थोड़ा सा समझाना, ठीक है। तो गुरुजी आते हैं उस दिन, वो पूरा सत्संग का अरेंजमेंट करता है। ये दूसरा वाला जो नास्तिक व्यक्ति होता है ये सोचता है कि गुरुजी आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझे समझाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, तभी तो मुझे मेरा दिमाग मतलब मेरी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को एक कमरे में लॉक करके और बैठ जाता है। गुरुजी पूरा सत्संग वगैरह कर लेते हैं, जाने वाले होते हैं, तब बोलते हैं कि एक बार उसका कल्याण कैसे होगा, उससे मिल तो लूं। मिलने के लिए जाते हैं तो उसको गेट नॉक करते हैं, बोले बेटा थोड़े से बाहर निकल जाओ, बोले नहीं मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, बोले थोड़ा सा बाहर निकल कर तो देखो। वो कैसे कैसे दरवाजा खोलता है, उससे गुरुजी बोलते हैं, बोले कि तुम जो है ना एक बार कृष्ण नाम बोल दो, अपने मुख से जो है कृष्ण नाम बोल दो। वो व्यक्ति जो नास्तिक होता है बोले महाराज मैं कृष्ण नाम नहीं बोलूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं बोलूंगा। बोले बेटा तुमने तो एक बार कृष्ण नाम बोल ही दिया कैसे भी, अब बोले मेरी एक बात सुन लो तुम, ये कृष्ण नाम जो है ना इसको कभी बेचना मत, इसको कभी बेचना मत। अब वो भैया, वो जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसकी परमायु उसका समाप्त होती है, मृत्यु आती है। मृत्यु होने के बाद में यमराज के पास में लेकर जाते हैं। यमराज जी जो है चित्रगुप्त को बोलते हैं, बोले इसकी जो है खोलो इसका चिट्ठा, क्या इसने किया क्या नहीं किया है। वहां पर वो देखते हैं तो बताते हैं कि उसका पूरे जीवन उसने जो है पाप ही पाप किया, कोई पुण्य काम किया नहीं है, भगवान को बिल्कुल मानता नहीं था, नास्तिक था। तो जो है बस आगे पलटते पलटते देखते हैं कि एक बार जो है इनके घर पे सदगुरु आए थे, गुरुजी आए थे, गुरुजी के मुख से कहने पर जो है इसने एक बार कृष्ण नाम बोला। तो उससे पूछा, बोले कि तुम क्या चाहते हो, बोले तुमने जो पूरा जीवन भर पाप किया उसका फल भुगतोगे, या फिर जो है तुमने एक कृष्ण नाम लिया है साधु के मुख से सुनने के बाद में, तुमने एक बार कृष्ण नाम लिया है उसका फल लोगे। बोले भैया पाप तो भुगतना ही है, पहले तुम जो है ये कृष्ण नाम का पुण्य मेरे को दे दो। फिर जो है अब इसके विषय में जो क्या था, यमराज को और चित्रगुप्त को दोनों को ही कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने सारे शास्त्र खोलने लगे, इनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने सोचा कि हम जो है क्या चलते हैं, हम लोग ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं, वो बताएंगे कि क्या एक कृष्ण नाम लेने का, सदगुरु के मुख से सुनने के बाद में कृष्ण नाम लेने का क्या फल है। तो उन्होंने जो कहा, वो जो व्यक्ति था नास्तिक व्यक्ति, उसने कहा कि बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम जो मुझे कंधे पर उठा के ले जाओ। तो क्या किया, यमराज और चित्रगुप्त ने पालकी बिठाई, आगे यमराज जी लगे, पीछे चित्रगुप्त लगे, और जो है उस बंदे को पालकी में बिठा के और लेकर जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देख के तो एकदम अचंभित हो गए, बोले कि कौन व्यक्ति है जिसको जो है चित्रगुप्त और यमराज जी पालकी में लेकर आ रहे, कौन महापुरुष है ये, कौन पुण्य आत्मा है ये। तो उन्होंने उससे ब्रह्मा जी ने जिज्ञास करते बोले कौन है ये, बोले ये पुण्य आत्मा नहीं ये पाप आत्मा है, इसने पूरे जीवन भर तो कुछ भी पुण्य काम नहीं किया, बस एक बार जो इनके सदगुरु के मुख से सुनने के बाद में इन्होंने कृष्ण नाम लिया था, वो आप जो है बस ये बता दो हमको। बोले कृष्ण नाम का क्या फल है, हम इसको वही फल दे देंगे। इसने जो ब्रह्मा जी भी फिर वापस अचंभित हो गए, वो भी सोच रहे बोले एक बार कृष्ण नाम सदगुरु के मुख से सुनने के बाद में कृष्ण नाम लेने का क्या फल है, ये तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने क्या किया, वो भी बोले कि हम जो शंकर जी के पास मिलते हैं, मुझे भी इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं। फिर भैया वो भी बोले मैं जाऊंगा नहीं ऐसे, पालकी में लेकर चलो। आगे लगे ब्रह्मा जी चित्रगुप्त और पीछे यमराज जी, और उसको लेकर गए कहां पे, शिवलोक में, कैलाश पर्वत में। वहां पे जो है शंकर जी ने और पार्वती मैया ने जैसे देखा, वो भी जो है आरती की थाली से जाकर तैयार बैठे हैं, बोले ऐसा कौन महापुरुष है जिसको ये तीनों जो है कंधे पर लेकर आ रहे हैं। फिर शिव जी ने भी यही जिज्ञास करी, तो फिर वो बोलते हैं बोले ये पापात्मा नहीं, ये पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा, इसने जो है ऐसा ऐसा किया है, आप बस हमें ये बता दो कि एक बार कृष्ण नाम लेना क्या फल है। शंकर जी को भी नहीं पता था, उन्होंने सोचा कि हम जो है चलते हैं नारायण के पास में। नारायण के पास में तो क्या हुआ, यमराज जी चित्रगुप्त ब्रह्मा महेश ये चारों ने चारों पालकी को उठाया और उस व्यक्ति को लेकर वो पहुंच गए भगवान के पास में वैकुंठ में। उनसे जो है बताने लगे भगवान को कि भगवान ऐसा ऐसा वृत्तांत है, इसने एक बार कृष्ण नाम लिया था, आप बताइए क्या फल है उसका। बोले भगवान कहते हैं यहाँ पे, बोले इसका फल तो यही है, इसको उतारो और इसको मेरे गोद में बिठा दो, इसको मेरी गोद में बिठा दो, एक बार सदगुरु के मुख से कृष्ण नाम लेकर उसका उच्चारण करने का फल यही है कि ब्रह्मा महेश चित्रगुप्त और यमराज ये चारों उस व्यक्ति को कंधे पर उठाकर लाएंगे और जो उसे साक्षात मेरी गोद में स्थान मिलेगा। हम लोग कल जो है सुन रहे थे किस प्रकार जो प्रहलाद महाराज ने
भगवान की गोद में बैठने की उन्होंने इच्छा करी। कितना कठोर परिश्रम, 6 महीने तक जो है उन्होंने किस प्रकार निराहार रहकर जो है तपस्या करी गणगौर वन में। लेकिन जो है यहाँ पर क्या बताया है, कलयुग के बद्ध जीव है तो उनके लिए एकदम सिंपल सा सोल्यूशन बता दिया कि जो है सदगुरु से भगवान का नाम लो और उस नाम को निरंतर जप करो। सही बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, गीताई गौर प्रेमानंदे। कोई ताली नहीं बजा रहे, हरे कृष्णा। हाँ देखो अब लोग एकादशी व्रत कुछ कुछ भक्त लोग करते हैं और कुछ कुछ भक्त लोग नहीं करते हैं। देखो ये एकादशी का बड़ी महिमा है। अगर आपको पास में एकादशी का कोई किताब होगा ना, आप लोगों को पकड़ के देखना, एक एकादशी का नाम है मुक्तिदा। जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बुध अलग अलग आप व्रत रखते हो, लेकिन उसका एक ही फल है, दो फल नहीं। लेकिन आप जैसे 15 दिन में एक एकादशी आती है, उसका अलग अलग फल है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब ये एकादशी व्रत करने से जीव जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल करके भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष मिलती है। और एक एकादशी का नाम पुत्रदा। अभी जो नंद बाबा का पुत्र हुआ ना, वो पुत्र कैसे हुआ है, नारद जी ने बताए आप ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखो आपका पुत्र होगा। इसलिए श्री नंद बाबा ने ये पुत्रदा एकादशी व्रत को रखे, इसलिए घर में कृष्ण इनकी जन्म हुए। जिनके संतान नहीं होता है ये पुत्रदा एकादशी से पुत्र लाभ होता है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, वो एकादशी व्रत रखने पर घर में खूब अर्ण सस्य आएगा, खूब घर में अर्ण आएगा। एक का नाम इंदिरा एकादशी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, वो एकादशी व्रत करने पर घर में खूब माँ लक्ष्मी कृपा होती है, घर में खूब रुपया पैसा आती है। एक एकादशी का नाम कामदा, मतलब वो एकादशी व्रत करने से आपकी मन में जो जो कामना जो जो इच्छा करोगे वो सारे इच्छा को पूरी हो जाती है। इसलिए आप लोग एकादशी व्रत की कथा पढ़ करके देखना, किसी राजा का राज्य खो गया था लेकिन एकादशी व्रत किया तो राज्य आ गया। किसके घर में शांति सुख नहीं हो रही थी, घर में बड़े क्लेश था दुख कष्ट था, एकादशी व्रत किया तो घर में सारे शांति सुख आ गया। राजस्थान से कोई यहाँ पर है, कौन राजस्थान का हाथ उठा, तो राजस्थान की कोई एक नहीं है, कोई नहीं राजस्थान की, एक है दो है कौन, एक है। इसलिए राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई अंतिम व्यक्ति सज्जा में लेटा हुआ प्राण नहीं जा रहे सालों सालों से बिस्तरा में पड़े हुए, उसमें विष्टा मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, किसी तरह से प्राण नहीं, बड़ी दुख कष्ट उठा रहे हैं, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओगे बोले भैया इनकी सदगति कैसे होगी जल्दी जल्दी, देखना वो एक ही बात बोलेगा, कोई एकादशी व्रत करके इनको फल दे सकते हो। उसने कोई सोम मंगल बृहस्पति कोई व्रत का नाम ही नहीं लेगा, वो बोलेगा एकादशी व्रत करके आप इनको कोई फल दे सकते हो। एकादशी व्रत भगवान कृष्ण की व्रत है। एकादशी व्रत कुछ दिन पहले नोएडा में भी एक जगह पर किसी भक्तों घर में गए थे, माता जी बिस्तर में लेट हुई थी प्राण नहीं जा रही थी, उन्होंने बोले कैसे इनकी प्राण जाएगी कैसे, ये तो बिस्तर में साल साल से पड़े हुए, हमने कहा एकादशी व्रत करके इनकी फल दो, क्या होता है उससे जल्दी से जल्दी पाप उनकी खत्म हो जाती है। मैं यूरोप गया था, विदेश गया था, वहां पर हॉस्पिटल में 2 साल से पड़ा हुआ था, प्राण नहीं जा, शरीर में हड्डी हड्डी रह गई, प्राण जाकर गले में अटक गई, प्राण ही नहीं जा रही है, और पानी जैसे पैसा पैसा जा रहा था, सालों सालों से पड़े हुए लेकिन भी उधार नहीं हो रही थी। मैं जब गया मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा इनकी दुख और सहा नहीं जाता, एकदम शरीर बिस्तर में लग गया शरीर, इनकी उधार कैसे होगा, प्राण जा ही नहीं रहा है। मैंने कहा एकादशी व्रत करके आप फल दो, बोले अभी 10 दिन बाकी है। एक एक दिन बड़ा कष्ट से बीत रहा है, मैंने कहा पूरा परिवार संकल्प ले लो, हम एकादशी व्रत करके सबके सब फल देंगे। संकल्प किया ना उसी दिन ही प्राण चली गई, थोड़ी देर बाद में चली गई प्राण। आप भी संसार में देख लेना, बड़े से बड़े कष्ट है लेकिन कष्ट जा ही नहीं रहे किसी तरह से,
अब एकादशी व्रत रखो अच्छे तरह से। हाँ, उसी दिन अन्न मत खाया करो, है फल मूल खाओ, कम से कम दोपहर तक तो कुछ मत खाया करो। उसको बाद में जैसे फलाहार करते हैं, फलाहार करो, है नहीं तो दिन में एक बार जैसे कैसे खाते हो खाओ, अगर दो बार खाना तो खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अन्न मत खाया करो, जैसे गेहूं दाल सरिसों जैसे जौ, है इसलिए जितने जितने ये अन्न जातीय वस्तु इसको मत खाया करो। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, दूध मिठाई दही फल मूल आलू की पकौड़ा बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, मूंगफली मखाना, खाने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत चीज है, लेकिन एकादशी का दिन अन्न को नहीं खाओ। उसमें जितने तरह का बड़े से बड़े पाप, पांच पाप को सबसे बड़े पाप बताए, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, पितृमाती हत्या, नर हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, ये पांच महापाप को एकादशी का दिन अन्न में निवास करते। एकादशी का दिन जो अन्न खाएगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ेगा, भले सारे पाप से तेरे को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करता है कोई उसको उपाय नहीं, कोई मुक्ति की शास्त्र में कोई उपाय नहीं बताया। इसलिए कल हम अच्छी अच्छी कथा सुनेंगे, कैसे दो पति पत्नी थे, उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, एक समय तो दो पति पत्नी में लड़ाई हो गई एकादशी का दिन, उनको पति पता ही नहीं था आज एकादशी व्रत है। आप देखना एक एकादशी व्रत तो रखेगा नहीं, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, देखना दो दो तीन तीन तो खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ही उनको पता ही नहीं था आज एकादशी सवरे हो गया, लड़ाई हो गया, तो पति ने बोला आज खाना ही नहीं खाऊंगा, पत्नी ने बोला आज खाना ही नहीं बनाऊंगी, तुम खाएगी कैसे। अभी दोनों अपना बात में अड़ गए, हैं अड़ गए तो उन्होंने खाना ही नहीं खाए, लेकिन उसी दिन था एकादशी, उनके पूरा के पूरा निर्जला व्रत हो गया। एक एकादशी व्रत रखे तो दूसरे जीवन में ये रूप मांगद महाराज रूप में देश का राजा और रानी बनकर के दोनों पति पत्नी जन्म लिए। अन्य जान में भी एक एकादशी व्रत हो जाए तो इसके इतने पुण्य, अगर कोई भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत रखे, एकादशी मतलब होता है ग्यारस मतलब हमारे ग्यारह इंद्रियां हैं, एकादशी का दिन नियम है, उपवास तो रहनी चाहिए, व्रत तो रखनी चाहिए, लेकिन विशेष करके जितने हरि नाम करते हो उस दिन और थोड़ा ज्यादा हरि नाम करो, उस दिन बैठ कर थोड़ा कीर्तन हो हरि चर्चा हो, एकादश इंद्रियों को द्वारा हमें ठाकुर को सेवा करनी चाहिए। जीवा से नाम करो, कानों से कथा सुनो, हाथों से सेवा करो, प्यार से परिक्रमा लगाओ, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो, विशेष विशेष फल एकादशी की प्राप्त होती है। फिर भागवत कथा में एकादशी हो तो उसका इतने पुण्य जो सोच भी नहीं सकते हो, अगर कोई भागवत कथा सुने उसको साथ में एकादशी व्रत रखे, इसकी बड़ी पुण्य। इसलिए एकादशी व्रत को बताया कल्प वृक्ष व्रत, क्या बताया कल्प वृक्ष व्रत, बोले कल्प वृक्ष व्रत मतलब जो मांगोगे, कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके जो मांगो वो ही मिलती है। एकादशी व्रत से सब धन संपत्ति पुत्र परिवार धन दौलत सब मिलती है, और भगवान की भक्ति भगवान के प्रेम एकादशी व्रत से होता है। इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं, एकादशी का व्रत, ठीक है ना। कल सबके सब एकादशी व्रत रखना, शाम को तो प्रसाद यह मिलेगा, चिंता ही नहीं, अगर दिन में खाना तो एक बार खा लेना 12 बजे के बाद में, अगर कोई और अच्छे तरह से रखना चाहते हो जैसे शाम को आओगे कथा सुनोगे प्रसाद पाओगे, अगर किसको कोई बीमारी है दिन में 2-3 बार खाना पड़ता है खाओ कोई बात नहीं, लेकिन फल मूल आलू का सब्जी बना करके और मिट्टी आलू बहुत तरह का खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन अन्न मत खाना, ठीक है ना, अन्न मत खाना। और एकादशी कल जरूर, ऐसे नहीं सवेरे उठ करके बिस्कुट और चाय पीना शुरू कर दे, चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पियोगे तो एकादशी व्रत नहीं होगी। क्यों, ये जो चाय है ये पत्ते में ये चाय बनती है, चाय ये पत्ते में बनती है, इसलिए पत्ते खाने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दूध पियो, उसमें इलाच डाल करके, उसमें अदरक डाल करके और दूसरे चीज डाल करके, हर्बल टी कोई चीज उसमें डाल करके पियो, लेकिन चाय मत पिया करना, सिर दर्द होगा ना, नहीं होगी ना, इसलिए कोशिश करना कल चाय मत पिया कर। जब मान करके झगड़ा होने पर कुछ नहीं खाते हो और ठाकुर के लिए एक व्रत रखना, ठीक है ना, कल सबके सब एकादशी व्रत रखियो, भागवत में एकादशी व्रत रखना। अभी हमारे
ये प्रभु जी आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान के नाम के ऊपर में नाम की महिमा बताएंगे प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुद्घाटितमेव तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे श्री गुरु श्री युतपदकमलम् श्री गुरुर्विष्णुवंशं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तावितं सजीवनम् साधैत साधुदूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखातिपितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। गुरुवर्ग के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णव के मात्र भाई बहन, उपस्थित श्रोतागण सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव के अहितों की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। तो कलयुग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य की आयु होगी ना वह अल्प आयु होगी। धीरे धीरे जैसा कलयुग बढ़ता रहेगा मनुष्य की आयु क्षीण होती रहेगी। और सुमंद मते हमारी जो बुद्धि होगी ना वो धीरे 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 कम होती जाएगी। इसका देखो साक्षात उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब पहले पहले जमाने में जब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो वो अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल रजिस्टर कोई भी लैपटॉप कुछ भी नहीं ले जाता था, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था। और गुरुदेव के आश्रम में सिर्फ श्रवण मात्र से ही, एक बार सुनने से ही सारी शिक्षाएं उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। एक बार सुना और सब कुछ याद हो गया। और आजकल का टाइम देखिए कैसा आ गया है, ये बच्चों को हम पूरा बैग लेके भेज देते हैं स्कूल, सारी बुक्स होती हैं उनमें, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पाते। और तो और उन्हीं बुक में से टीचर भी उन्हें पढ़ाता है तब भी उन्हें याद नहीं हो पाता। और तो और वो घर में आके अपने पेरेंट्स से अपने सीनियर से भी डिस्कस करते हैं कि हमने स्कूल में ये पढ़ा, तब भी उन्हें समझ नहीं आता। माताजी उन्हें तब भी समझ नहीं आता। जो जहाँ पर वहीं पर बैठ जाए, बात मत करना ठीक है, नहीं तो पीछे से आ जाओ, पीछे से बहुत सारी जगह है। उन्हें बच्चों को तब भी समझ नहीं आता, बुक से पढ़ लिया टीचर ने बता दिया। और तो और बच्चों की घर बार क्या करते हैं पेरेंट्स, ट्यूशन लगा देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, तब जाके भी क्या पता समझ आए ना आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब एग्जाम होंगे तो बच्चे ने जो पढ़ा है वो याद आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो जनवरी चल रहा है, 2 महीने बाद बच्चों के एग्जाम्स है। यहाँ तक ज्यादातर माताओं को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की होती है, ये बच्चों का एग्जाम कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। बहुत सी माताएं तो इसलिए भी नहीं आ पाती कि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सबसे बड़ी चिंता का कारण अभी है। तो ऐसा क्यों है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, क्या रीजन क्या है? ये पढ़ना तो चाहते हैं, टीचर भी उन्हें पढ़ाता है, बुक्स भी है उनके पास, पूरी फैसिलिटी दी हुई है आपने, तब भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, वो है मन की चंचलता। जो मन है ना, मन वो बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। इसको जितना इसको आप समझाने का प्रयास करोगे ना उतना ही भागेगा, जितना इसको आप कोशिश करोगे कि इसको कंट्रोल करो उतना ही भागेगा। और हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, परेशान। किसका कारण क्या है? मन, जो मन, ये मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। सारे जो सब कुछ हो रहा है गलत वो मन कर रहा है। और कैसे कर रहा है? कुछ भी देखिए, अगर आप कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी है, अगर उससे पूछोगे, पकड़ने के बाद पूछते हैं कि भाई तूने ये अपराध क्यों किया, तूने इसका मर्डर क्यों किया, वो क्या बोलता है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, मेरा मन किया ऐसा खून कर दूं। क्या किया? मन मनाया। किसी से पूछा भाई तूने चोरी क्यों की है, कह रहा मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे मन में आया कि ये चोरी कर लो। कहाँ आया? मन में। मन ने चोरी करा दी, फंस कौन गया? वो आदमी। मन हर गलत काम कराता है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी पकड़ा गया, उससे पूछा गया तू भाई आतंकवादी कैसे बना, तो उसने यही बताया कि मेरा ना मन दुनिया से दुनियादारी से मन खराब हो गया था। क्या हो गया था? मन खराब। तो मैंने कहा मेरा मन करा सबको मार दूं। क्या करा? मन। मेरा मन करा सबको मार दूं और मैं आतंकवादी बन गया। देखो मन ऐसा है, सब गलत काम करवाता है। और मन शत्रु तो है ही, यहाँ तक कि हमें आध्यात्मिक प्रगति में भी रोकता है। एक माता जी रोज आ रही थी, मैंने कहा माता जी अब क्यों नहीं आ रही कथा में,
तो कह रही बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मन नहीं किया, क्या नहीं किया, मन नहीं किया। तो मन कहीं भी हर गलत काम करवाता है। अब मन मित्र भी है, मित्र कैसे देखिए, कोई भी अगर आदमी है, कोई सक्सेसफुल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत अच्छा है, तो उसको बढ़ाने के लिए मन का बड़ा काम है। ये मन मित्र भी है, देखिए मित्र कैसे है, मित्र ऐसे आपको, आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों को कि बच्चों ये डाबर का आमला खाओ या ब्राह्मी लगा के पढ़ो, क्या बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं बोलते। आप क्या बोलते बच्चे को? मन लगा के पढ़ो। हर पेरेंट्स बच्चे को ये बोलता है कि मन लगा के पढ़ो, पर मन लगे कैसे? मन तो बड़ा चंचल है, लगे कैसे? मन होता कैसे? जैसे कि कोई माता जी है, माता जी बैठ गई भक्ति करने की, मंदिर में चलो आज मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मंदिर में ही शांति मिलती है थोड़ा, तो माता जी लोग सोचते हैं चलो मंदिर में बैठे। आपको कुछ भी दिख जाए मंदिर में, जैसे फूल ही दिख गए, तो फूलों से क्या होता है, फूल देखते देखते आपके मन में एक विचार आया, मन में एक विचार आया यार मैंने शाम को सुबह फूल लाने, मुझे फूल लाने याद आया, मन में विचार आया। आप बैठे तो पूजा करने, लेकिन मन में क्या विचार है, फूल लाने। फूल से याद आया कि फूल लेने जाएंगे कहाँ, फूल की दुकान में। अब दुकान से याद आया कि दुकान में तो जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो दुकान के बगल में ना गोलगप्पे वाला ही बैठता है मंदिर के बगल में। अब ध्यान कहाँ चला गया, गोलगप्पे वाले पे। यार मैंने लास्ट टाइम 10 रुपए के गोलगप्पे खाए थे, अब कहाँ ध्यान चला गया, गोलगप्पे पे। नहीं, गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पे तो बढ़िया बनाए थे, उसमें चटनी बड़ी मस्त बड़ी बढ़िया बनाई थी। अब ध्यान कहाँ आ गया, मन कहाँ है, चटनी पे। अब या आपको याद आया, ये चटनी तो मैंने भी बनाई थी एक दिन, है हमारे रिश्तेदार आए थे, मैंने उन्हें चटनी खिलाई थी, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। अब मन कहाँ आ गया, रिश्तेदार में। फिर ध्यान आया कि रिश्तेदार हमारे लिए एक शादी का कार्ड लेके आए थे किसी का, है उन्होंने बोला था शादी में आना। फिर ध्यान कहाँ आ गया, शादी के कार्ड में। अरे वो शादी का कार्ड कहाँ है, शादी कब है? अब शादी का कार्ड ढूंढा, देखा तो शादी तो 2-3 दिन बाद है, तो अब तो कपड़ों की तैयारी करनी है। तो मन कहाँ चला गया, कपड़ों में। तो पूजा पाठ छोड़ी और चले गए कपड़ों की तैयारी करने। तो मन ये ऐसे करता है, चैन बनाता है। जैसे आप कुछ चीज करने बैठोगे, कुछ चैन बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। सबके साथ होता है, ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है। मन अगर हम किसी चीज में ध्यान लगाएंगे, वो भटकाता रहेगा, विषय वस्तु से आपको दूर ले जाएगा। तो सेम बच्चों के साथ भी ऐसे होता है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर बताता है कि भैया जंगल का राजा शेर है, तो शेर बच्चे को, शेर जैसे शेर दिमाग में आता है, शेर से याद आता है कि शेर। तो यार मैंने कल डिस्कवरी चैनल पे देखा था टीवी पे, अब डिस्कवरी चैनल से पहुंच जाते टीवी पे, टीवी से फिल्म पे, फिल्म से बच्चा पता नहीं कहां पहुंच जाता है, और अंत में टीचर बोलता है ठीक है आज की क्लास खत्म। बच्चे ने क्या सुना, बच्चे का तो ध्यान कहीं और था। तो मन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा से पढ़े, तो उसको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मन को कंट्रोल कराना पड़ेगा। अब मन कंट्रोल कैसे होगा, मन को कंट्रोल करने की विधि ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे कम होती रहेगी, हम कोई बात कह रहे सुन रहे हमें थोड़ी देर बाद ही भूल जाएंगे। लेकिन जब हम कथा में आते ना, तो हमें प्रतिदिन एक नियम करना चाहिए कि आज कथा में से हम ऐसी चीज ले जाएंगे, कथा में से रोज 2 मिनट, चाहे 2 घंटे 4 घंटे की कथा में बैठो, 2 मिनट की ऐसी बात अपने साथ ले जाओ जिससे आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि ऐसी कौन सी चीज करेंगे हम जिससे हमारे बच्चों का, हमारा मन कंट्रोल हो जाए और हम सब कुछ आराम से इजीली अपने लाइफ को चलाते रहें, क्या करें उसके लिए। तो आप सभी लोग बताओगे उस वो चीज क्या है। एक ऐसी वस्तु है, जब हमारा जन्म होता है ना तब हमें प्राप्त होती है, होती हमारी है लेकिन दूसरे लोग हमसे लेते हैं, और हमारे इतने काम नहीं आती जितने दूसरे लोगों के काम आती है, बताओ क्या है। कोई कौन बताएगा, जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। माता जी ने बहुत अच्छा बताया, नाम। जब हमारा जन्म होता है ना तब हमें प्राप्त होता है नाम, होता हमारा है और लेते दूसरे लोग है उसे, दूसरे लोग ले लेते उसे। कैसे, मेरे घर वालों ने जब मैं हुआ तो मेरा नाम रखा संजय। अब बोलते संजय जाओ मार्केट से दूध लेके आओ, संजय ये बिजली का बिल जमा करा के आओ, ऑफिस आता हूँ तो संजय ये काम करो, ऑफिस संजय ये करो, घर में आओ तो यार दोस्त चलो संजय वहां चलो, आज संजय कथा है वहां चलो, आज प्रोग्राम है वहां चलो, नाम मेरा। लेकिन दूसरे लोगों का उस पर ज्यादा अधिकार है, जिसका नाम होता उसके उतने काम नहीं आता पर दूसरे लोगों के ज्यादा काम आते हैं। देखो इसका साक्षात उदाहरण मैं कैसे देता हूं आपको, जैसे भगवान श्री राम आए थे ना, तो वो तो आए थे हम लीला करके चले गए, उन्होंने 1-2 का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने सबका उद्धार किया। अभी आप बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं हम शास्त्रों को नहीं मानते, हमें साक्षात उदाहरण दो। तो देखिए अभी मैं आपको इस कलयुग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कलयुग की जीव है हम, तो कलयुग के उदाहरण से मैं बताता हूँ आपको। अभी ये अशोक नगर दिल्ली में पड़ता है ना, यहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर
अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कई रिश्तेदारों को गवर्नमेंट जॉब में लगाए, तो यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सीएम है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, अपना दिल्ली में कहीं भी लगा सकता है किसी को। तो आप उससे पहले देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ना एक आम आदमी था, नॉर्मल आदमी था, वो जगह जगह इंटरव्यू देने जाता था, जॉब के लिए अप्लाई करने जाता था, साक्षात जाता था कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, तो कहीं उसको रखते थे, कहीं उसे बाहर निकाल देते थे कि रिजेक्ट, कहीं रिजेक्ट हो जाता था वो कहीं जगह जगह से, लेकिन कहीं कहीं वो सिलेक्शन हो जाता था। वो साक्षात जा रहा है, लेकिन अब उसके नाम के आगे लिख गया सीएम, अब वो चीफ मिनिस्टर हो गया, उसके नाम की वैल्यू बढ़ गई। अब वो क्या करता है, अपने रिश्तेदार को फोन करके बोलता है कि तुम्हें नौकरी के, वो बोलते हैं हमें यहाँ लगा दो, तो वहां जाके सीधा वो बोलते हैं ठीक है वहां जाके मेरा नाम ले लेना, वहां उसके नाम से काम हो गया। जब अरविंद केजरीवाल साक्षात जाता था अपने अपने लिए, तो उसका काम नहीं बन रहा, लेकिन आज उसके नाम से सब काम हो रहा है। तो नाम इतना प्रभावशाली है, नाम बड़ा शक्तिशाली है, नाम में बहुत शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं नाम कैसे शक्तिशाली है, नाम देखो, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक छोटी सी बात बताई थी कि जब मैं नया नया यहाँ आया था तो मुझे घर जल्दी जाना था, तो मैंने गुप्ता जी से बोला, गुप्ता जी मुझे मैं जा रहा हूँ, तो गुप्ता जी ने कहा काम करो प्रसाद लेते हुए जाओ। तो मैंने कहा अभी तो सब लोगों को बटानी आरती हो रही है। उन्होंने कहा एक काम करो तुम पीछे से ले लो और हलवाई से बोल के प्रसाद दे दो। मैंने ठीक है, मैं पीछे के हलवाई के पास, मैंने कहा वो प्रसाद दे दो। तो हलवाई ने मुझे, वो जानता नहीं था, कह रहा नहीं 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 मिलेगा, जाओ जाओ जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे गुप्ता जी ने बोला। कह रहे अच्छा गुप्ता जी ने बोला है, तो लो 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 ये लो और लो। तो क्यों बोला, क्योंकि प्रोग्राम कौन करा रहे हैं यहाँ पे, जो व्यवस्था कौन किन की है, गुप्ता जी की। तो यहाँ पे क्या है, किसका किसका नाम चलेगा, गुप्ता जी का, कि भाई गुप्ता जी का प्रोग्राम है, गुप्ता जी ने भंडारा दिया हमें, गुप्ता जी ने सामान दिया हमें यहाँ, तो हम उन्होंने गुप्ता जी के नाम से दे दिया। दिल्ली में क्या है, इससे ऊपर क्या है, दिल्ली, दिल्ली किसके अंदर में आ रही है अभी, अरविंद केजरीवाल के। उससे ऊपर कौन है, पूरे भारत में किसका राज चल रहा है, नरेंद्र मोदी का। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कौन है, भगवान कृष्ण। तो पूरे ब्रह्मांड में किसका नाम चलेगा, भगवान का, भगवान का। सर्वशक्तिशाली कौन है, भगवान। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास नहीं है नाम में, विश्वास नहीं है। जबकि नाम सब कार्य कर सकता है, नाम बड़ा शक्तिशाली है। अभी जैसे कोई यहाँ माता जी है बहुत, अगर कोई है मोटी मतलब हेल्दी, मैं उन्हें बोलूँ कि आप आइए यहाँ और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, वो उठ के आ जाएंगी फटाफट। लेकिन मैं दो चार पतली माता जी को बोल दूँ ना कि उन्हें उठा के लाओ, तो नहीं उठा के ला पाएंगी उन्हें। लेकिन मैं उनको नाम से बोलूंगा कि माता जी आप यहाँ आ जाओ, तो माता जी दौड़ के आ जाएगी। नाम इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति कि नाम उन्हें उठा के लिए आएगा। तो जब ये बताओ, जब नाम में इतनी शक्ति है, आदमी उठ के आ सकता, तो भगवान नहीं आ सकते, भगवान भी आ सकते हैं, ठीक है। नाम में बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। ये तो रही बात, अगर देखो आप चाहते हो कि आपके बच्चे उनका माइंड कंट्रोल हो, तो सिंपल से एक छोटा सा तरीका है, इसको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक संत ने देखा कि एक व्यक्ति किसान जेठ की गर्मी में बड़ी पसीने में तरबतर हो रखा है और खेत में काम कर रहा है, हल लगाने पे लगा हुआ है। तो संत बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने देखा यार ये भजन कब करेगा, ये तो दिन भर व्यस्त रहेगा अपनी खेती में, इसको भजन में लगाओ। तो संत उसके पास गए, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा भजन भी क्या करो, क्योंकि सारी जीवन भर तो ये काम करते करते आदमी चला जाएगा, तो भजन कब करोगे, अंत में तो भगवान का नाम ही जाएगा, तो थोड़ा नाम करा करो। तो गरीब किसान ने कहा कि महाराज मैं कैसे नाम करूं, मेरे पास तो इतना काम है, कुछ आप उपाय बताइए। तो संत ने कहा ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक सेवक देता हूं। तो संत के पास ना उन्होंने एक प्रेत को, एक भूत को वश में किया हुआ था, उन्होंने उसे दिया उसके पास, ये लो प्रेत को अपने पास रखो, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना इसे काम बोलना है, तुम्हारे सारे काम करेगा, लेकिन तुम बैठ के भजन करना, क्योंकि भजन ही तुम्हारे साथ आखिरी में जाएगा। किसान ने कहा तो बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है। प्रेत को घर आया, उसे बोला जाओ खेत में हल लगा के आओ, प्रेत गया फटाफट हल लगा के आ गया, जाओ बीज बो के आओ, वो गया फटाफट बीज बो के आ गया, जाओ मार्केट में जाओ ये सामान लेके आओ, वो लेके आ गया, जाओ पानी भर के आओ, सब करो सब करने लगाओ, अब वो झट से करके आ जाए, किसान इतनी देर में भजन भी ना कर पाए। तो उसने प्रेत ने कहा और काम बताओ, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो अभी कुछ काम है नहीं। तो प्रेत ने कहा नहीं, अगर आपने मुझे काम नहीं बताया ना तो मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको परेशान करूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा, आपको जीने नहीं दूंगा मैं। तो किसान डर गया, अब क्या करूं, काम ही नहीं क्या करूं। तो उसने कहा एक काम करो, तुम उस गांव में जाओ, उस व्यक्ति को बुला के लाओ। उसके मन में अचानक विचार आया कि वो व्यक्ति तो है ही नहीं घर में, वो जब तक आएगा तब तक तो मैं भाग जाऊंगा। तो उसने प्रेत को बोला तुम उस गांव में चले जाओ और उसे बुला के लाओ।
इतनी देर में फटाफट वो किसान संत के पास दोबारा गया कि महाराज जी क्या आपने क्या दे दिया मेरे को, ये तो फटाफट काम करके आ जाता है और मुझे बोलता है अगर काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा, है आपको कुछ नहीं करने दूंगा, आपका जीवन बिगाड़ दूंगा मैं, मुझे बताओ क्या करूं मैं। तो संत ने कहा इतनी बस इतनी सी बात, उन्होंने उसे रस्सी दी, उस रस्सी में 108 गांठें बंधी हुई थी। उन्होंने कहा एक काम करो, इस रस्सी को एक पेड़ में डालना, दूसरी टहनी से नीचे उतार देना, टहनी में डालना और दूसरी साइड से लटका देना, और जब तुम्हें पास कुछ काम हो तो बोलना ये काम करो, जब काम ना हो ना प्रेत को बोलना इस रस्सी से ऊपर चढ़ और नीचे उतर, रस्सी से ऊपर चढ़ और नीचे उतर। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई। किसान गया घर में, फटाफट रस्सी टांगी पेड़ में और घर आ गया। अब प्रेत आया वापस कि मैं हाँ बताओ काम बताओ काम बताओ। उन्होंने कहा काम तो यह है कि उस पेड़ पे चढ़ रस्सी से और नीचे उतर। अब प्रेत ही कह रहा भैया ये कहाँ से इसमें बुद्धि कहाँ से आ गई है, है? इससे बढ़िया तो मैं बोलता ही नहीं कुछ काम, इसने तो मेरे को तो फंसा दिया, सही फंसा दिया। अब वो चढ़ता ऊपर और बस दिन रात वो रस्सी पे चढ़ता और उतरता रहता, चढ़ता उतरता रहता, और किसान भी अपना आराम से भजन करता रहता। तो ये क्या है, जो प्रेत वो है कौन जो हमें परेशान कर रहा है, खाने आ रहा है, हमारा कुछ काम नहीं करने दे रहा, वो है मन। ये हमारा मन है, ध्यान से सुनो, ये हमारा मन है, ये हमें कुछ नहीं करने देगा, ना भजन करने देगा ना काम करने देगा, हर चीज में हमें परेशान करेगा। इसने हमें दास बना रखा है, मन ने हमें दास बना रखा है। अगर आपको किसी को शुगर है और सामने रसगुल्ले रखे हैं तो मन कहेगा खा ले खा ले खा ले, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा खा ले। आपको पता है कि खा लोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मन कह रहे नहीं खा ले कुछ नहीं होता, और आप खा लोगे, आप ही जाओ डॉक्टर के पास। इसी तरह शराबी वो कहता है, जब वो रात को घर में कलेश हो जाता है, सुबह उठता है तो कहता नहीं मैं अब नहीं पीऊंगा अब नहीं पीऊंगा मैं, लेकिन शाम को होता ही मन अरे पी ले कुछ नहीं हो रहा, एक घूट में क्या हो जाएगा एक घूट में क्या हो जाएगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मन उसे फुकसाता है कर पी ले। अब व्यक्ति पीता है, अभी घर में आके लड़ाई कलेश और पिलपस करवाता, सारे काम गलत कौन है, मन। तो मन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, नाम, भगवान का नाम। जो संत ने उसे रस्सी दी थी वो क्या है, वो ये माला है, ये माला है जिसमें 108 मन के है, इनको बोलते हैं मन के, मन को कंट्रोल करने की दवा, मन के ये बीट्स, ये आपके मन को कंट्रोल करेंगे। कैसे, जब आप काम में व्यस्त होंगे तो काम करोगे, जैसे ही आपका मन खाली होगा आप इसे मंत्र में लगा दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे क्या होगा आपका मन धीरे 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 उसको आदत पड़ जाएगी कि अब ये मुझे जैसी मैं खाली बैठूंगा मुझे मोती पे चढ़ा देगा, अरे माला करना शुरू कर देगा, तो मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। धीरे 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 देखना आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। अगले साल यहाँ हर साल भागवत होती है, अगर अगले साल तक आपके बच्चों में फर्क ना दिखे तो हमें बोलना, करके देखना। कल एकादशी का दिन है, सबसे शुभ दिन है, एक एक माला अपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए लेके जाओ। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को करनी होगी, क्योंकि जो पहले घर वाले करते हैं वही बच्चे करते हैं। एक बार मुझे एक बच्चा मिला, मैंने बच्चे से पूछा क्या तुम मांस खाते हो, कहता हाँ मैं खाता हूँ। मैंने क्यों खाते हो, कह रहा नहीं मेरे घर वाले बनाते हैं तो मैं खा लेता हूँ। घर किसका दोस्त, घर वालों का। तो पहले तो आपको माला करनी होगी, फिर वो बच्चे का करेंगे। हमारी यहाँ क्लासेस चलती रहती है, जिनको लगता है कि बच्चों को थोड़ा गाइडेंस मिलनी चाहिए वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक फायदा और है माला करने का, भजन करने का, भगवान का नाम लेने से। हर व्यक्ति दुखी है, जैसे कि गुरुदेव बताते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिनत रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास। तो सुखी कैसे रहे हम, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, हमने उसकी खूब खातिरदारी करते, सब बड़ी खातिरदारी करते मेहमान की। अब मेहमान एक दिन रहा, दो दिन रहा, तीन दिन रहा, जब मेहमान को ऐसा हमें ऐसा लगने लगता है ना ये तो जिंदगी भर रहने वाला है, अरे तो जा ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं उसकी खातिरदारी कम कर देते हैं, धीरे 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 उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी की सांस आ गई घर में, दो तीन दिन तो खूब सेवा की, अब लग रहा है कि सांस तो हमारी यहीं टिक जाएगी, इसे भगाओ, धीरे धीरे क्या करते हैं उसे परेशान करना शुरू करते हैं ताकि वो भाग जाए। उसी तरह जब हम इस संसार में आते हैं ना, तो बच्चे में छोटे बच्चे बन के आते हैं तो हमारी बड़ी खातिरदारी होती है, रोए तो मम्मी गोद में उठा लेती है, खिलौना चाहिए, मिठाई चाहिए, बुरी बड़ी खातिरदारी होती है। हम जब मातृ गर्भ में होते हैं ना तो उल्टे हाथ उल्टे पड़े होते हैं और हाथ हमारे ऐसे जुड़े होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें इस नरक से निकाल दे, कभी नहीं आएंगे फिर वापस। लेकिन जैसे बाहर आते हैं माया के चुंगल में और बस बड़े आनंद में, किसी चीज की टेंशन नहीं, बिस्तर में खाना आ रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। धीरे धीरे हम यही प्लानिंग करते हैं, यही मकान बनाऊंगा, 3 मंजिल बनाऊंगा, किराए पे चढ़ाऊंगा, रेंट उठाऊंगा, सब करूंगा, पहली प्लानिंग।
तो माया ये जगत यहाँ किसका है, माया देवी का। माया देवी देखती है तो मेहमान बन के आया था, अब तो टिकने की सोच रहा है, क्या करती है वो परेशान करती है, वो परेशान करती है त्रिताप, तीन तरह से कष्ट देती है, आदि देवी का, आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये कष्ट देना शुरू कर देती है, हम परेशान रहते हैं। फिर तो परेशानी से बचने का तरीका क्या, हरि नाम। हम दिखाएंगे माया को कि नहीं माया हम तो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, अब नहीं रहेंगे हम। तो माया कहती ठीक है, तो वापस आने वाला है, कुछ दिन का मेहमान है, तो इसको कोई बात नहीं, इसको परेशान नहीं करना। तो जो वास्तव में अगर परेशान नहीं होना चाहता और अपना और अपने परिवार वालों का कल्याण करना चाहता है, उसे माला करनी जरूरी है। और अगर वो चाहता है सबका कल्याण हो, आपका आपका आपके बच्चों का और आपका, ये लोग तो सुधरे ही सुधरे, परलोक भी सुधरे, तो उसको ये हरिनाम करना बहुत जरूरी है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि जिन जिन लोगों ने हरिनाम नहीं लिया है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई इसका चार्ज नहीं कि आपको उसका कुछ देना पड़ेगा, ये सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार है। कल एकादशी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है, महाराज जी है, सुबह आपके टाइम आके अपने अपने बच्चों के साथ आके हरिनाम ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं इसका कोई नियम नहीं है। नहाए बिना नहाए, हाथ मुंह धोए जूठे मुंह, जैसे मर्जी हम नाम कर सकते हो, भगवान का नाम करना है, ये आपका पवित्र ही करेगा, आपका कल्याण ही करेगा। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, जैसा हम सब लोगों का कल्याण हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का कल्याण हो, और आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि हमारा सबका कल्याण बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। तुलसी एकादशी तिथि की, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञान तिमिरंग से ज्ञान अंजन सलाकया राधा रानी की चक्षुर मिलितम ये राधा रानी तैयारी तस्मै श्री गुरुवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः पिपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जितने यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं, माताएं प्रभु लोग भाई बहन जितने भी यहाँ पर, सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करते हैं। हम पिछले 5 दिन से लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं और आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतनी सर्दी में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि हम सोच रहे थे इतनी सर्दी में लोग आएंगे नहीं, क्योंकि सर्दी ज्यादा है और घर में भी इतना काम होता है। तो हमने कथा दिसंबर में थी जब सर्दी स्टार्ट प्रारंभ हो रही थी, ऐसी थी, परंतु जनवरी में भी हो गई होते होते। परंतु आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली जो अपने समय को छोड़कर अपने घर में जो भी काम है, थोड़ा काम को निकालकर कथा में आए। इसलिए जो भागवत कथा में जो लोग आते हैं पुण्य आत्मा तो होते ही, बैठे एक मिनट भी आ गए ना जो यहाँ पर, एक मिनट भी चाहे समझ में आए चाहे ना आए, अगर कोई एक मिनट आके बैठ के प्रणाम भी करके चला गया वो भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। रख दो। कुछ माताएं बोल रही थी कि प्रभु जी हम अपने पति को बोलते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा एक मिनट के लिए आ जाओ, उस प्रणाम करने के लिए आ जाओ, कथा में प्रणाम करके चले जाओ। तो इतना रोज प्रार्थना करते हैं वो आ भी नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि बिना कोटि कोटि जन्मों की सुकृति के बिना, बहुत जन्मों के पुण्य के बिना कोई कथा में आ पाता है, और उससे भी ज्यादा पुण्य के बाद कोई कथा में बैठ पाता है,
और कोई उससे भी ज्यादा भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो वो समझ पाता है, और उससे भी ज्यादा किसी पे कृपा हो तो वो फिर पालन कर पाता है। तो ये भगवान की कृपा की बात है, आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, और ये जो हमारे प्रभु जी लोग अभी कथा सुना रहे, पहले गौर सुंदर जी और ये अभी संजय रावत प्रभु जी, तो ये भी बच्चे लोग हैं, ये लोग भी पढ़े, अच्छी जॉब करते हैं, अपना ऑफिस भी जाते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं। क्यों ऐसा ये कर रहे हैं? क्योंकि उम्र भी देखो ज्यादा नहीं है, जवान बच्चे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, विदेश में गए, बड़ी बड़ी जगह गए, अमेरिका में गए, हॉलैंड में गए, न्यूजीलैंड में गए, और बहुत जगह विदेश में, पूरे देश विदेश में गए, और जाके देखा सारे लोग दुखी हैं, जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, ज्यादातर डिप्रेशन में लोग हैं, शराब पी के किसी तरह से टेंशन को दूर कर रहे हैं। तो किसी किसी लोगों से पूछा, भाई आप शराब क्यों पीते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पे बड़ा कर्ज है, टेंशन होती है, शराब पीता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो कहते कर्ज थोड़ा कम होता है, जैसे किसी पे 1,00,000 रुपए का कर्ज है, मानो उसने शराब पी लिया आज, तो कल थोड़ा 90,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा नहीं। वो तो शराब पी ली थोड़ी देर के लिए, भूल जाएगा रात को नशा में, आप फिर सुबह देखा 1,00,000 का 1,00,000 ही कर्ज है, फिर दोबारा अगले दिन शराब पिया, अरे टेंशन हो रही है टेंशन, थोड़ा थोड़ी शराब पी लेते, फिर पी तो देखा सुबह फिर 1,00,000 का ही कर्ज है, तो उतर ही नहीं रहा। चिंता ऐसे जाती नहीं, ये अपने मन को बहकाने की बात है कि चिंता ऐसे चली जाएगी। और कोई कोई लोग तो क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते कि मर ही जाते हैं, अरे जीवन में बड़ा कष्ट है तो क्या करो, फांसी खा लो, आत्महत्या कर लो, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पर जो फांसी खा लेते, जो मर जाते, कष्ट जाते नहीं, फिर भूत बन जाते भूत, और फिर परेशान होते हैं, खाने के लिए चाहिए तो खा भी नहीं पाते, प्रेत आत्मा होती है ना, बड़े परेशान होती है, फिर दूसरे शरीर में घुस के परेशानी करती है। तो इसलिए ये उपाय नहीं है, हमारी जो चिंता है, हमारे जो दुख है, हमारे जो कष्ट है, इसका उपाय ये नहीं है, किसी तरह से भुला दो, या फिर चलो बहुत ज्यादा टेंशन है, 1,00,000 रुपए का कर्ज है, या घर में कोई बात होगी, चलो थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं, तो टीवी भी देख लोगे तो कर्ज तो 1,00,000 का 1,00,000 ही रहेगा। तो उपाय क्या है, समस्या को पहले समझो और उसका उपाय क्या है, फिर उसका उपाय करो। यदि नहीं करोगे ये समझ के और ऐसे मन को बहकाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो ये जो ऐसे बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे गुरुदेव के पास भी आए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए, डॉक्टर आए, न्यूरो सर्जन आए, अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट आए, और सब लोग क्या कर रहे, जो सुकृति है, जो पुण्य आत्मा है, जिन पे भगवान की कृपा है, वो क्या कर रहे हैं, भगवत गीता और भागवत को पढ़ रहे हैं। मैं कई बार बताता हूँ इस ग्रंथ का महत्व क्या है, ये ग्रंथ रखा है जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें जगत में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी जिसमें इसका उपाय ना हो, आप इसको पढ़ेंगे ना, ऐसा आज तक भी कोई शास्त्र नहीं हुआ जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो, ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ गया होगा, ना तो बायोलॉजी पढ़ गया होगा, ना तो फिजिक्स पढ़ गया होगा, ना साइंस पढ़ गया होगा, ना आर्ट साइड पढ़ गया होगा, सारी समस्याओं का समाधान। पर एक ऐसी चीज है श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें पढ़ो बच्चे का समाधान, बूढ़े का समाधान, और स्त्री का समाधान, पुरुष का समाधान, देवताओं का समाधान, जितने भी जगत में लोग हैं, स्वर्ग में हो, जल लोक में हो, तप लोक में हो, सभी जगत में जितने भी ब्राह्मण में संसार में जीव हैं, सभी की समस्याओं का समाधान इस भागवत में। परंतु बहुत दुर्भाग्य लोग हैं हम लोग, या जो लोग इस कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, जो इसको महत्व नहीं देते। परंतु गुरुदेव संत महात्मा आके बताते, देखो कथा की क्या महिमा है, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु होकर क्या है, कभी ग्रंथ के रूप में आते हैं, गीता के रूप में, कभी भागवत के रूप में आते हैं, और कभी भागवत को भी नहीं पढ़ते तो क्या करते, संत को भेजते हैं, संतों को भेजते, जाओ जगह जगह जाओ, गांव गांव में जाओ, और घर घर में जाओ, ये गीता का उपदेश दो, क्योंकि वो परमात्मा है, जो भगवान है, वो बड़े दयालु है,
और बहुत शक्तिशाली है, परंतु उन्हें हमारा दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए वो हमारे घर घर में इन संतों को भेज रहे कथा सुनाने के लिए। महाराज जी भी आए इतनी सर्दी में, जैसे कोई बता भी रहे थे कि प्रभु जी आप लोग तो सुबह कथा करने जाते हो, दोपहर कथा करने जाते हो, शाम कथा करने जाते। जो लोग अशोक नगर के लोग हैं ना, वो जानते हैं हम लोग का कार्यक्रम शुरू होता है सुबह 5 बजे से, मंगल आरती कथा कीर्तन आनिक जप करते हैं और फिर कथा शुरू होती है 8 से 9, जो गली नंबर 17 में है। 10 ही 10 बजे होती है, दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ कथा करते हैं, फिर लंच के प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ कथा करते हैं, फिर भागवत में आ जाते हैं यहाँ कथा करते हैं। इसके बाद भी जाएंगे घर में जाएंगे और वहाँ कथा करेंगे, 11-12 बज जाते हैं। संत लोग इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, क्या खाने को नहीं मिलता? अब हमारे मठ में जाओगे, रूप सनातन मठ में बढ़िया बढ़िया मटर पनीर की सब्जी, दाल रसा चावल, गरम गरम चपाती रोटी, बहुत बढ़िया खाने को मिलता है, कोई कमी नहीं है हर जगह पर। क्यों आ रहे, घर घरों में जा रहे? इसलिए जा रहे कि भगवान ने कहा है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम लोग क्या करो, जिसको भी देखो उसको मेरी वाणी गीता का उपदेश दो, भागवत का उपदेश दो। और इसके लिए तुम क्या करो, सब जीवों को उठो रे उठो भाई, आर तो समय नहीं, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, और सब घर घर में जाओ और सबको ये शिक्षा दो। तो इसी के प्रयास के लिए महाराज जी भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लग रहे हैं। आप लोग क्या करो, ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई लोग कह रहे हैं अरे ये लोग तो क्या है, बार बार भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, एकादशी करो एकादशी करो। अच्छा एक बात सोचो, हमें क्या लाभ है? अगर कोई कांग्रेस की पार्टी हो कहेंगे भाई हमें वोट दो तो चलो मानो उन्हें लाभ है, कोई बीजेपी बोलेगी हमें वोट दो लाभ है, कोई क्रीम वाले होगी फेयर एंड लवली लेना भैया हमारी कंपनी चलेगी, तो कोई कहता है ये लोग, पर हम कह रहे क्या एकादशी व्रत रखो। हम ये नहीं कह रहे आप लोग क्या करो, हमें कुछ दो या हमसे कुछ लो, एकादशी व्रत रखो और भगवान का नाम करो, भगवान का नाम करो। इसमें हमारा क्या लाभ है, हमें क्या दोगे? ना तो हम आपका धन मांग रहे ना आप कुछ मांग रहे, क्या मांग रहे? भगवान का नाम करो, क्योंकि नाम करने से क्या होगा, बहुत ही लाभ होगा। इसके लाभ की जितनी भी सीमा है बता नहीं सकते, भगवान बड़े दयालु है। भगवान ने क्या किया है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तार पिता नियमित स्मरण न काले। भगवान बड़े दयालु है, उन्होंने देखा कलयुग में आयु बड़ी कम है, लोगों की मंद बुद्धि है और भाग्य बहुत ही मंद है, इसलिए भगवान ने क्या किया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में जगत में अवतार लेकर आ गए और क्या किया, बहुत दया करके उन्होंने कहा अच्छा नहा नहीं सकते, सर्दी लगती है, बिना नहाए भी नाम ले लो। अच्छा समय नहीं है तो क्या करो, समय नहीं है कम से कम क्या करो, उठते हुए रजाई में नाम ले लो, बैठते हुए नाम ले लो, चलते हुए नाम ले लो, कोई भी नियम नहीं रखा। पर फिर भी इतने नियम नहीं रखने पर भी क्या हुआ, हम लोग इतने दुर्भाग्य, नाम में मन ही नहीं लगता, नाम नहीं ले सकते। सारे जगत में इतनी सारी बात करेंगे घंटे घंटे, जो लोग है ना एक स्त्री स्त्री के पास जाते हैं 2 घंटे बिता देती है बात करने में, अब पता नहीं कैसे बीत जाते हैं, बोलते समय नहीं है, 2 घंटे आराम से बीत जाते हैं, और बोलो 10 मिनट के लिए माला करो तो समय नहीं है। तो भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, किसी भी अवस्था में करो, किसी भी रूप में करो, नहाए करो बिना नहाए करो, स्नान करके करो। पर एक बात है, एक ही नियम है नाम का, क्या जैसे बता रहे थे ना किसी संत महात्मा से लेके करोगे ना नाम तो बहुत शक्ति होती है उसमें, और अपने आप करोगे जैसे बंदूक की गोली है ना, बंदूक की गोली, अगर बंदूक की गोली में उठा के आपको मारूंगा ना किसी को यहाँ से, तो थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी, लगेगी ना थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं लगेगी थोड़ी बहुत लगेगी, पर वही बंदूक की गोली यदि मैं पिस्तौल में गोली में भर के मारूं तो कैसे होगा, पूरा आर पार हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान का नाम करोगे तो शक्तिशाली तो है ही, कुछ ना कुछ सुकृति देगा। पर किसी संत महात्मा से लोगे, किसी सदगुरु 4 संप्रदाय से जो आए हैं, अगर उनमें किसी से नाम लोगे तो क्या होगा, बंदूक की तरह काम करेगा, पूरा का पूरा आपके सारे अनर्थों को पापों को दुख को रोग को मिटाएगा और कहाँ ले जाएगा, भगवान के धाम तक ले जाएगा। और ये अभी अंतिम ऑप्शन है आपके पास, कल एकादशी है, एकादशी के नाम लो तो बहुत ही अच्छा अवसर होता है। तो कल जिनको नाम लेना, कोई मेरे से पूछ रहे थे प्रभु जी नाम कहाँ पे लेना है कैसे करना है,
तो महाराज जी जहाँ रुके हुए ना उनके घर पे आना है, गली नंबर 17 न्यू अशोक नगर, मकान नंबर कितना है वो, ए ब्लॉक में 166, मकान नंबर कितना है, 166 है ना, 160 हाँ। ए ब्लॉक में गली नंबर 17 में चौथा ही मकान है, 60 फूल उस पे लगे हुए हैं, माँ महाराज जी रुके हुए हैं वहाँ ही। जिनको नाम लेना है तो क्या 8 बजे आएंगे, सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे, जो जोशी राशन वाले ना भीड़ लगी थी राशन की, दाल चावल बड़ा सस्ता है पर लोग इतने टूट के भीड़ लगी रहती है, और नाम जो बड़ा दयालु है बड़ा शक्तिशाली है उसके लिए क्या है, अभाव है, कोई लेने नहीं चाहते। आप देखो राशन वाली गली में कितनी भीड़ रहती है, क्या है, सिर्फ दाल के लिए चावल के लिए, अभी खाओ और सवेरी खत्म। और जो नाम कलयुग में त्रेता में सतयुग में द्वापर में काम करता है, हर युग में जिसको काम करने वाला है उसके लिए बोलना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, प्रार्थना करनी पड़ रही है, ये कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है। पर फिर भी उसी गली में जिसमें राशन की लाइन लग रही है, कल उसी में लाइन लगनी चाहिए भगवान के नाम की। तो बोलो हरि नाम संकीर्तन की। और आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है, मैंने बताया जो कुछ माताएं लोग प्रभु लोग कुछ लोग कुछ कुछ प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, तो आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है हमारे जो ललित कृष्ण प्रभु जी है, राधे राधे प्रभु जी है, उनके द्वारा कुछ माताओं ने व्यवस्था की है, और ये श्री प्रकाश गुप्ता मुन्नी माता जी है जो हमारी बहुत प्रकार की सेवा करती है, उन्होंने सबसे करके हौसला बढ़ा के कुछ माताओं को 3-4 माताओं को परिवारों को शामिल किया है, इतने सारे भक्तों के लिए व्यवस्था की है, आप इन लोगों के लिए ताली बजाना। श्री प्रकाश गुप्ता जी, मुन्नी माता जी, श्री रेवती जी और इनकी पत्नी भगवती माता जी, और श्री जवाहरलाल वर्मा जी और इनकी पत्नी मंजू वर्मा जी। और कल भी कुछ भक्त लोग कुछ चावल और दाल देके गए थे और हम उनका नाम भूल गए थे क्योंकि हमें पता भी नहीं लगा, सुधा द्विवेदी जी हैं और एक गुप्ता जी द्विवेदी जी, उनका नाम मैं भूल गया, कल उनका नाम याद करके हम बोल देंगे। जो लोग भगवान की सेवा में कुछ भी एक दावत चावल का एक दाना भी दे रहे हैं, जिनका नाम ले भी नहीं पा रहे, भगवान पर विशेष कृपा करेंगे। मैं भी महाराज जी भी प्रार्थना करते हैं उनके लिए, भागवत जी भी उनको आशीर्वाद देती है, हम भी प्रार्थना करते हैं जो जिनका नाम नहीं भी ले पा रहे और जो एक माचिस का दाना भी भागवत में दे रहा है, भगवान उनके घर में सुख दे, शांति दे, उनमें आनंद दे और उनको इसी प्रकार अपनी सेवा में लगाए रखे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की, हरि नाम संकीर्तन की, श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्री गिरिराज महाराज की, हरे कृष्ण। राधा रानी बनाए कि नहीं, बन गई राधा रानी, बनी है, बन गई। और उनको पितामह तक कौन बने, राधा रानी कहाँ है, ये राधा रानी कहाँ है, उनको पर बढ़िया सुंदर सुंदरी बना करके लाना। अभी हम थोड़ी सी राधा जी कथा सुन देते हैं, फिर श्री गिरिराज जी कथा सुनेंगे। बोले श्रीमती राधा रानी की। देखो कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे आप वृंदावन में जाओ देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, और जोर से, राधे राधे, और जोर से, राधे राधे। वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, बोले क्यों, बोले राधा रानी बड़ी दयालु, ये बच्चे किसके है, बच्चे को गोद में रखना, हरे कृष्णा माताएं, ये बच्चे को गोद में रखो, दामोदर तुम क्या करोगे, बड़ी दयालु नहीं, इसको बच्चे गोद में रखो, हरे कृष्णा। इसलिए वृंदावन में श्री राधा जी का नाम लेते, बोले राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, श्री राधा रानी। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, राधा रानी कितने दयालु। अब वृंदावन में देखना जो संत लोग है ना, वो दोपहर में जाकर के घर घर से कुछ माधुगिरी लाते हैं, माधुगिरी मतलब क्या, रोटी सब्जी ले आते हैं और दिन भर माला लेकर के, दिन भर माला लेकर के प्रभु की भक्ति करते हैं। एक दिन ऐसे हुआ, ठीक दोपहर में जब ये संत लोग भिक्षा के लिए जाएंगे, उसी समय में बड़ी तेज आंधी तूफानी आ गई, इतने जोर से आंधी तूफान आया, अभी संत लोग घर से निकल ही नहीं पाए। इधर क्या हुआ, राधा कृष्ण दोनों ने दोनों के पास में खबर भेजे कि यहीं पर आज दोनों मिलेंगे,
आज श्याम सुंदर स्वयं आकर के श्री किशोर जी के लिए सुंदर कुंज बना करके बैठे श्याम सुंदर। बांके बिहारी आज श्री राधा रानी आई, लेकिन राधा रानी आई नहीं गई। कभी कृष्ण कुंज से बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर निकलते, राधा रानी की राह देख रही है। अभी कृष्ण तो राधा रानी की ब्रेह में छटपट कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, वो संत लोग तो बैठे करके भजन कर रहे हैं, आज घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। इतने में राधा रानी स्वयं आकर के उनके लिए रोटी बनाई, उनके लिए चावल सब्जी दाल बनाई और घर घर में जाकर के संतों को भोजन कराया। और भोजन करा के जो बाप आई, अभी हो गया बड़ा लेट, देर हो गई। इतने में कृष्ण तो राधा रानी को देख करके मुंह घुमा कर बैठी, मान कर लिए कृष्ण। तब राधा रानी कहती है सखियों को, बोले बताओ आज ये महापुरुष मान क्यों कर रहे हैं। ललिता विशाखा बोले तुमने कितने बजे बताया था, अपना घड़ी देखो कितने बजे बताए थे आने के लिए, अभी टाइम तो कितना हो गया, इतने लेट कैसे की। तब राधा रानी कहती है श्याम सुंदर आप ही भगवत गीता में प्रतिज्ञा किए हो अनन्नश्चिंत तमाम जनहा परिजुपासते। कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं जो व्यक्ति अनन्य रूप में एकांत रूप में केवल मेरे नहीं अपना मन प्राण चित्त को संपूर्ण लगा देते हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले पहला काम किया, बोले घर में जो चीज नहीं कृष्ण कहते मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। दूसरा काम घर में जो है मैं एक चौकीदार बनकर उसको मैं रखवाली करता हूँ। आपने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, बोले हाँ। बोले आज जानते हो क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारे जो भक्त लोग है ना जिस समय माधुपुरी के लिए जाएंगे उसी समय में आंधी तूफान आ गई और वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए और घर में बैठे करके माला जप कर रहे भजन कर रहे, लेकिन तुमने तो प्रतिज्ञा की थी जो भक्त घर में नहीं जाएगा मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए आज मैंने स्वयं उन्हीं के लिए रोटी चावल दाल सब्जी बना करके घर घर में जा करके मैं दे करके मैं अभी वापस आई, इसीलिए मेरी देर हो गई। इतना सुनते ही श्याम सुंदर तो राधा रानी के चरण में गिर गई, बोले हे राधे तू तो माँ हो। माँ क्या करती है, अगर बच्चे अगर खाना पीना नहीं खाए भूखे में सो गया बच्चा, मैया भोजन कर लेती है, देखना जब तक बच्चे को नहीं खिलाएगी। अगर कोई बोले अरे बच्चा सो गया छोड़ दो ना तुम खा लो, जो मैया कभी खा सकती है, कभी नहीं खा सकती है जब तक बच्चों को खाना खिला नहीं देती है। इसलिए जगत का माँ कौन है, श्री राधा रानी ये जगत की माँ है। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो कोई ब्रजवास नहीं कर सकते, राधा जी की कृपा हो तभी ये ब्रजवास मिलता है, तभी कृष्ण को प्राप्त भी राधा जी की कृपा से ही होती है। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, इसलिए वृंदावन में इसलिए सबके सब किसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सबके सब श्री किशोर जी के नाम लेते हैं। इसलिए श्री वृषभानंद महाराज की घर में एक बेटा श्रीदाम भैया, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में एक लाली होनी चाहिए, क्योंकि आप देखना घर में जब कोई बेटी हो ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में लक्ष्मी आई, लेकिन एक बेटा आए तो कोई नहीं कहता है नारायण आया, कोई बोलता है बेटी आई, तो क्योंकि कन्यादान की सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की विषय है घर में अगर बेटी हो गई ना नाना नानी की तो अवस्था खराब, लेकिन अगर बेटा हो गया बड़ा खुश हो जाते। लेकिन देखना अगर पिताजी बाहर जा रहे ना, बेटा बोलेगा पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, लेकिन बेटी क्या बोलेगी, बोले क्या लाओगे नहीं पिताजी कब आओगे, एक बोलता है क्या लाओगे और एक बोलती है क्या कब आओगे, कब आओगे। अगर भले ही बेटी चली गई शादी करके अपना ससुर घर चली गई, देखना वही से खबर लेती रहती पिताजी कैसे है, मेरी माता जी कैसे है, मेरी माता जी कैसे, बच्चा हकदार मांगता है, हमें संपत्ति चाहिए दुकान मकान चाहिए, लेकिन बेटी कुछ नहीं मांगती है। अगर माताएं नहीं हो लेकिन माताएं क्या करती है, अगर गर्भ में अगर बेटी आ गई पता चलेगा ना बेटे बेटे मार देती है,
वो गर्भ से ही मार देती है। अगर भैया अगर अगर बेटी नहीं होगी, माताएं नहीं होगी, ये दुनिया रहेगा? बताओ, नाना नानी चाचा चाची कहाँ से आ रहे हैं? ये माताओं की बजरत है। अगर माता ही नहीं होगी तो दुनिया रहेगी? बताओ, मतलब दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए बेटी जैसे हो बेटा जैसे हो, दोनों को बराबर रूप में पालन करनी चाहिए। इसलिए श्री वृषभानंद महाराज सोच रहे घर में एक लाली होनी चाहिए। ये प्रत्यह जाते थे स्नान करने के लिए यमुना में, देखा है कि सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी बालिका बहते बहते आ रही है। और श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और उनको अपना गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी, कृतिका भैया को दिए। बोले देखो, हम सोच रहे थे घर में एक लाली होनी चाहिए, ठाकुर एक लाली दे दिया। और कृतिका का भैया बड़ी प्रेम से उसको लालन पालन कर रहे थे। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण तो अकेले कभी आते ही नहीं, क्योंकि जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योतिम राधा विरनम राधा माधव स्वरूपम। जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, तत्व तो ये कोई अलग नहीं। केवल लीला विलास करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण की हुई। अभी तो अकेले कृष्ण आएंगे नहीं, जरूर श्री किशोर जी आई होगी। नारद जी गली गलियों में घूम रहे हैं। जब श्री वृषभानंद महाराज घर में आए, उनको पूछा, तो उन्होंने बेटी को लाए तो भैया नहीं गए। भाई भैया इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था। अभी वो चाह रहे थोड़ा स्तुति करे, बहाना बनाए, थोड़ा सा फूल लाओ, हम इसको आशीर्वाद देना चाहते हैं। जब अंदर में गए राधा रानी ईश्वरी बनी गई। फिर श्री नारद जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। देखो हम लोग भी बड़ी बड़ी स्तुतियां, आज इसी देवता को कल इसी देवी को, अगर ये स्तुति अगर कोई करोगे ना, राधा जी की स्तुति अनंत करोड़ों, जो लक्ष्मी जो शक्ति देवी कहाँ से प्रकट होती है? श्री राधा रानी से ये सबके सब प्रकट होती है, श्री किशोर जी से। जब हम राधा जी की उपासना कर देते ना, अनंत करोड़ शक्तियों की पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए जरूर ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को अब रोज पढ़ा करना, ठीक है ना? कहते अगर ये स्तोत्र को कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार पढ़े ना, स्वयं ईश्वरी जी प्रकट होकर के दर्शन देते। इतने महिमा ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की। अभी राधा रानी को ले जाओ, कहा है राधा, खड़े हो जाओ, उनको गोद में लेकर, उधर अगर कोई बैठे हुए ना उसको गोद में लेकर खड़े। और मैया मैया कहाँ गई? इसकी माता जी कहाँ गई? बेटी की माता जी कहाँ गई? बेटी की माता जी गोद में दे दो, उसको मैया कौन है? वहाँ मैया चली जाती। बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्री वृषभानंद महाराज की जय। जय श्री राधा, वाह बढ़िया बोल रहे। बोले श्री वृषभानंद महाराज की कृतिका मैया की जय। जय श्री राधे। एक भजन रानी गई गिरिराज के पास, एक भजन गई बोल बरसाने वारी की, बोल राधा रानी की। बोल राधा रानी प्रगट भयो बधाई नगरे, राधा रानी आपो बधाई बाजरे, राधा रानी प्रगट भयो बधाई बाजरे, जैसा नहीं मेरा
Oh, Radha, 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 Rad
कोई नहीं ले रहा है, हाथ उठाकर बोल रहा है, ए प्रेम से बोलो, हरी हरी हरी, प्रेम से बोलो, हरे सने रे, हे नाचना रे, हे गुनगुन रे, हे गुनगुन रे, हे नाचना रे, हे मारा रे, प्रेम से बोलो, हे नाचना रे, हे नाचना रे, हे गुनगुना रे, गिरिराज बाबा की, गिरिराज महाराज
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे केवल पांच मिनट में सारी कथा विश्राम करेगी, केवल पांच मिनट लगेगा गिरिराज कथा। सब बैठ जाओ, सबके सब प्रसाद लेके जाना। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जयकार नहीं करे, सबके सब बैठ जाओ। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जय श्री गिरिराज। देखो इनका नाम श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले भैया ये गिरिराज आए कहाँ से? बोले ये गोलोक वृंदावन से आए। बोले ये प्रकट कहाँ से हुए? बोले श्री राधा रानी की हृदय से ही, राधा जी के हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुए। एक समय गोलोक वृंदावन में श्री राधा और कृष्ण बैठ करके बात कर रहे थे। ऐसे एक स्थान हो जो पृथ्वी में सबसे सुंदर स्थान, जहाँ पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ हो, जहाँ पर हर फल हर फूल खिले हुए मिले, सुंदर सरोवर नदी झरनाएं हो, और जहाँ पर कभी ठंडा नहीं हो कभी गर्मी नहीं हो, ऐसे एक स्थान होनी चाहिए। तब से राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करते हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा। एक दिन कृष्ण बोले राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तेरे को चलना पड़ेगा। राधा रानी बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर जमुना भटराई नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं तो वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा, ये पूरा के पूरा ये 84 क्रोश मेरे साथ में उतर करके आ जाएंगे, मेरे सखा सखी तेरे सखा सखी सब के सब आएंगे। राधा रानी राजी हो गई, फिर तो मैं मरते जगत में जरूर मैं मरते जगत में उतरूंगा। इसलिए गोलोक वृंदावन से ये वृंदावन श्री गिरिराज गोवर्धन आए। एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी। कृष्ण बोले मैया मैया कल क्या मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। पर फिर इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो? बोले कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। नंद बाबा जब बोले गिरिराज पूजा होगी, कृष्ण तो चाह रहे थे ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो, क्योंकि इनका नाम गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज मतलब, गिरि मतलब होता है पर्वत, राजा मतलब सारे पर्वत को राजा है, गोवर्धन मतलब गो मतलब होता है इंद्रियां, वर्धन मतलब होता है जो कृष्ण की इंद्रियों को जो बढ़ाए हैं, कृष्ण की जो सेवा करे। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन में हर तरह का फल फूल लता पता कृष्ण को हर तरह से सेवा करती है। इसके बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नव जून द्वंदम स्मीन मंदम। ये गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर कुंज बनाती है, सुंदर सुंदर गुफा बना देती है, सुंदर झरना बहती है पानी के लिए, सुंदर फल फूल से भरा हुआ होता है कृष्ण को खाने देने के लिए। गिरिराज गोवर्धन की बड़ी महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की। इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदक। मतलब क्या है? बोले जो कुछ गिरिराज से मांगो, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुनिया की कोई भी वस्तु गिरिराज से मांगो, जब कोई परिक्रमा करे गिरिराज की, कृष्ण स्वयं पीछे 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 चलते हैं। भैया इतना कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से मांगेगा क्या? गुरुदेव कहते हैं ये सांसारिक की वस्तु तो गिरिराज आसानी से दे देते हैं, लेकिन एक वस्तु गिरिराज से मांगो ना, फिर गिरिराज चिंता करते उसको दुख ही नहीं की। बोले वो कौन सा चीज है? बोले भगवान की भक्ति,
भगवान की सेवा और उनका प्रेम। अगर ये चीज मांगो ना, गिरिराज सहज में गिना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले जिसको भक्ति प्रेम दे दे, ठाकुर उसको प्रेम में भसीभूत हो जाते हैं। ठाकुर जिसको प्रेम में भसीभूत होना पड़ता है, ठाकुर जिस सहज में सभी की प्रेम में भसीभूत होना नहीं चाहते हैं। इसलिए लेकिन जो निष्कपट रूप में गिरिराज से उनके प्रेम भक्ति मांगे, गिरिराज उसको भी गिरिराज जी प्रदान करते हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की। हरे कृष्णा। ये जो पीछे जो बच्चे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ए पीछे जो बच्चे लोग को उनको बैठा दो, बच्चों को ए बच्चे लोग उनको बैठा दो, वहां पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बच्चे लोग, उनको कान पकड़ कर बैठा दो वहां पर। हरे कृष्णा। पीछे भैया कौन कौन है पीछे? ये बच्चों को बैठा दो, भगा दो यहां से। हरे कृष्ण। इसलिए गिरिराज जी बड़े दयालु श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए अभी बोले पिताजी आप गिरिराज की पूजा क्यों करते हो? बोले हम सबके सब ग्वाला है, हमारी जो धन है वो धन है, और ये स्वर्ग का राजा इंद्र इसकी अधीन में ये मेघ रहता है, और उपयुक्त समय पर बारिश होती है, बारिश से घास उगते हैं, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से दही, दही से घी, फिर दूध से हर तरह का मिठाई, सब कुछ ये दूध से होता है। इसलिए यही हमारी मूल भोजन, इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा पिताजी ये इंद्र की गांठ में कुछ है ही नहीं, ये इंद्र कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ इंद्र को कोई चीज मांगे, ये फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की आदेश हो फिर तो ये इंद्र कुछ दे सकता है, इसका अपना गांठ में कुछ है ही नहीं पिताजी। देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हैं पिताजी, ये कोई पहाड़ नहीं, ये ब्रज का साक्षात देवता है। आप कितना दिन से पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले अभी तक आपने इंद्र को देखा? बोले नहीं। बोले पिताजी जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना, इन्हीं आंखों से साक्षात दर्शन मिलेगा, और जो कुछ मांगोगे गिरिराज सब कुछ देगा। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा? बोले हाँ पिताजी, साक्षात रूप में देवता को दर्शन करोगे। बोले भैया हमने कभी इन्हीं आंखों से देवता देखा नहीं, फिर तो हम इंद्र पूजा नहीं श्री गिरिराज गोवर्धन की हम कल पूजा करेंगे। ठिंडरा पिटवा दो सारा ब्रज मंडल में, 365 गांव, तरली बरौली सही ऊंचा गांव नीचा गांव बैठा नंदगांव बरसाना, अब अभी भी देखोगे 365 गांव में पूरा ढिंडरा पिटवा दिए। कल इंद्र पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम सबके से पूजा करेंगे। श्री गिरिराज बाबा ब्रजवासी तो खुश हो गए, इन्हीं आंखों से देवता दर्शन करेंगे। जितने ब्रजवासी थे ना, सबके सब इतने खाना लाए, चार तरह का चावल बना करके लाए, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक फीकी चावल, और एक में मटर पनीर डाल करके लाए। आप लोग कितने तरह का चावल लाए हो? कुछ लाए कि नहीं? कैसे आ गए? कुछ लाए कि नहीं? और वहां पर दो तरह का कढ़ी लाए, एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाए, राड़ कढ़ी बगैर पकौड़े के जो कढ़ी होती है। दो तरह का चूरमा लाए, एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब पतल में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकती है। पराठा तो 10 तरह का पराठा लाए थे, आलू की मूली की बथुआ की पालक की है, ऐसे कोई ने जो पराठा नहीं था। दाल तो 5 तरह का लाए, पता नहीं आप लोग कितने तरह का दाल लाए होंगे, उड़द की मूंग की मटर की है, छोले की 5 तरह का दाल लाए वहां पर, और इतने खाना लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया है, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया खाने में। इसलिए इनका नाम बड़ा अन्नकूट, कूट मतलब होता है पर्वत, अर्ण मतलब होता है अर्ण, हर चीज की पर्वत, हर चीज की पर्वत बन गया। कृष्ण अपने हाथों से पंचामृत से अभिषेक करवाए, अभिषेक करके ठाकुर जी का आसन दिया, उनको पाद्य दिया, चरण में फूल दिए, और गिरिराज को उन्होंने आह्वान किया। बोले गिरिराज जी आप कृपा करके भोजन करो,
सचमुच से वहां पर गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए विशाल रूप को लेकर के। बोले हे ब्रजवासियों, देखो मैं साक्षात गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन जो व्यक्ति मेरे तरफ में देखो, आज का दिन जो व्यक्ति ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना किसने दे दिया, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगा। गिरिराज कौन कौन गए हो? गिरिराज आप देखना, गिरिराज में 12 महीना अन्नकूट चलती है। कितने कितने दूर से विदेश से भी लोग आते हैं। और आप जतिपुरा में जाओगे ना, इतने दूध से अभिषेक करते हैं, जैसे नाली पानी में जैसे नाली बहती है ना, वैसे दूध की धारा बहते धार बहते बहते चलती है। और कोई दूध की धार से कोई एक एक जगह पर 108 बार दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसे ऐसे श्री गिरिराज की सबके सब उनकी परिक्रमा करते। क्यों? वो बड़े दयालु बड़े कृपालु। भगवान तो ये जगत से चले गए, लेकिन हम लोगों के लिए तीन चीज ठाकुर जी छोड़ कर गए। कृष्ण का समय से अभी तीन चीज विद्यमान। बता सकते हो तीन चीज क्या क्या है? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। तीन चीज कृष्ण का समय से क्या तीन चीज है बोलो? और गोवर्धन और क्या बोलो? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। यमुना। यमुना। और गौर? मोर। और मोर और गौर? बोले ये ब्रजभूमि, एक ब्रजभूमि, एक यमुना महारानी और एक श्री गिरिराज गोवर्धन। कृष्ण तो चले गए, लेकिन हमारी कल्याण के लिए ठाकुर जी अभी भी कृष्ण का समय से ये तीन चीजें है। अब गिरिराज गोवर्धन में देखना, हर पर्वत देखोगे उसका सर ऊंचा खड़ा हुआ देखोगे, लेकिन गिरिराज गोवर्धन में देखोगे ना ऐसे नहीं जैसे पिघला हुआ। क्योंकि जब कृष्ण गिरिराज में गए, उनका चरण स्पर्श हुई, जब कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाए, गिरिराज प्रेम में जैसे पिघल जाते हैं, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, ऐसे गिरिराज गोवर्धन पिघला हुआ रूप देखोगे। कहीं कहीं गिरिराज में कृष्ण की चरण चिन्ह देखोगे आप। कहीं भी गिरिराज कोई इतने बड़े पत्थर इतने बड़े शिला उठा करके देखना, हर पत्थर को कहीं देखोगे दुनिया में वो खसखस लगेगा, लेकिन गिरिराज की कोई भी पत्थर उठाओ कोई भी शिला उठाओ तक ये खसखस नहीं लगेगा, लगेगा जैसे उसके ऊपर कोई तेल घी लगाया है। बोले क्यों? बोले कृष्ण प्रेम में उनका हृदय द्रवीभूत हुआ। हर गिरिराज की शिला में देखोगे कहीं कृष्ण का चिन्ह, कहीं राम की, कहीं नारायण की, कहीं बाल गोपाल की, कहीं नरसिंह भगवान की, कोई भी शिला उठाकर देखोगे कृष्ण की जरूर कुछ ना कुछ उनका चिन्ह देखने को मिलेगा। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन साक्षात ये कृष्ण भगवान कृष्ण ही एक स्वरूप में पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण किया है, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। ये बीच में ये गिरिराज गोवर्धन रखा बीच में, गिरिराज रखे ना, हरे कृष्ण दामोदर, ये गिरिराज को वहां पर रखे हो दामोदर रखे, गिरिराज को बीच में क्या रखे? हाँ, उसमें प्रभु जी बड़े सुंदर भजन गाएंगे, ये गिरिराज को लेकर के ना वहाँ रख लेना। यहाँ पर आप चार बार गिरिराज की परिक्रमा लगाना, जो कुछ गिरिराज से मांगोगे ना, गिरिराज सब इच्छा को गिरिराज जी पूरी करते हैं। हाँ देखो, कल जिन जिनियों को हरिनाम लेना है, कल बहुत अच्छा दिन एकादशी है और ये एकादशी का बड़ा महत्व है। जो लोग हरिनाम लेना चाहते हो और जो लोग पहले हरिनाम ले चुके हो, जो व्यक्ति पहले हरिनाम ले चुके, अगर जैसे उसको बाद में गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, पूर्ण दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गोपाल मंत्र के बगैर ठाकुर को भोग नहीं लगता है, हैं? इसलिए जो लोग पहले हरिनाम लिए हो अगर गोपाल मंत्र लेना चाहते हो आप लोग गोपाल मंत्र ले लेना, और जो हरिनाम नहीं लिए आप लोग कल सवेरे 8 बजे आप आ सकते हो। गली नंबर 70 है और मकान नंबर 160 160। अगर आप सवेरे 8 बजे आओगे आप लोग माला लेकर के जाना, और भक्ति करो और भजन करो और शांति में सुख में रहना, ठीक है? हाँ ठीक, वहाँ पर केवल गिरिराज रखा ना, इसको भी लेकर रखा। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय Yeah.
Hey,
नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित लीला प्रभु शशि भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला प्रभु शशि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपेर कर गौर हरि की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त तुलसीदेव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मधुर की जय। सर्वविष्टकर्ता गिरिराज महाराज की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समाज गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।